नमस्कार, मैं अमित दुबे, शिक्षा ओशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में। सबसे पहले उस वाले चीज़ को कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सबसे ज़्यादा जिस वजह से स्टूडेंट्स में ये डर रहता है कि उनको मैथ्स टफ लगती है या मैथ्स बहुत टफ है, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को कंप्लीट करना है कि जिससे हमारा ये डर निकले। तो वो हम सबसे पहले हमारा डर है किस चीज़ को, पहले हमें अपने उस डर को समझना पड़ेगा। हम एक्चुअल में समझते हैं कि हमें क्वेश्चन की मेथड नहीं आ रही, इस वजह से मैथ्स जो है हमारे लिए टफ है। लेकिन मैथ्स इस वजह से टफ नहीं है, मैथ्स टफ है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय जिन तरीकों का यूज करते हैं उसकी वजह से हमें एग्जाम में लगता है टाइम, और जिसकी वजह से हम लोग टाइम को ज़्यादा लगने की वजह से हमारे वहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेशन की वजह से हमारे एग्जाम में क्या होता है कि टाइम हमें ज़्यादा लगता है और हम लोग क्वेश्चंस कम कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले उसी चीज़ को कम करना है कि हमारे कैलकुलेशन के जो तरीके जो हमने बचपन से जो अभी तक जो दिन तरीकों से मल्टीप्लाई किया, हमें उन तरीकों को बदलना है। क्योंकि जब तक हम उन तरीकों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसी हमारी पहले थी। जो मल्टीप्लाई हम लोग पहले करते थे आज भी हम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्लस किया करते थे, जोड़ा करते थे संख्याओं को, हम आज भी उसी प्रकार से हम लोग उनको जोड़ रहे हैं। तो जब तक हम अपने तरीकों में बदलाव नहीं लेके आएंगे तब तक हमें उन सब चीज़ों से क्या बोलते हैं उसको कि हम उनसे निजात नहीं पा पाएंगे, कि हमें उससे दूरियां कैसे बनाएं कि हम उस डर से निकले। तो इसके लिए हमें आज मैं आपको सिर्फ पहले आज के वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन के कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएं, और मल्टीप्लाई के साथ साथ हमें उस कुछ कंडीशन वाले मल्टीप्लाई भी आपको बताऊंगा कि कभी ऐसी कुछ संख्याएं मतलब कुछ स्पेशल संख्याएं मिल जाएं तब उनमें आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाए और बाकी लोगों से आपका आंसर जल्दी आए। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं जो तरीके जो मल्टीप्लाई के जो तरीके बताने वाला हूं या मैं जो स्क्वायर क्यूब के जो तरीके बताऊंगा उन सब तरीकों पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में हमें याद नहीं आता कि हमें इस यहाँ पर मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वो तरीका माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ क्लिक हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकती है। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि आप उसमें हम लोग इस एग्ज़ाम को सिर्फ कि हाँ किसी ने बता दिया हमने कर लिया, तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाले। हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या है कि सिर्फ सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं। तो हमें स्टार्ट करना है और चीज़ें स्टार्ट करनी है और सिर्फ स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ मल्टीप्लाई के कि हम लोग किस प्रकार से हम संख्याओं के मल्टीप्लाई करेंगे और किस प्रकार से हम इनमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ उन मल्टीप्लाइज को बताऊँगा जिनमें आप कुछ कंडीशंस लगती हैं और कंडीशंस के साथ में वो मल्टीप्लाई जल्दी हो जाते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लाई तो हम कॉन्जेकेटिव नंबर्स के मल्टीप्लाई लेते हैं। सपोज कि हमें मल्टीप्लाई करना है 13 का 14 में मल्टीप्लाई करना है, या फिर ले लेते हैं अपन 19 का मल्टीप्लाई आपको 18 में करना है, या फिर और भी कोई नंबर हो जो आपको समझ में आते हो कि 24 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर्स का मल्टीप्लाई मतलब कॉन्जेकेटिव है, मतलब लगातार संख्याएं हैं एक के बाद एक, अगर ऐसी कोई संख्याएं हैं और हमें ऐसी संख्याओं के अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो हम इनका मल्टीप्लाई किस प्रकार से और आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको दो कॉन्जेकेटिव नंबर दिए हैं जैसे कि 13 है और 14 है, मैं यहाँ पर छोटी संख्याएं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होती हैं और इसमें क्या चीज़ें होंगी वो चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे छोटी संख्याएं क्यों ली, कि क्योंकि छोटी संख्याओं में समझ में जल्दी आता है, तरीका एक बार समझ में आ जाए फिर उसके बाद आप उन तो बड़ी संख्याओं में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो चीज़ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको वो चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। चलिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 13 का मल्टीप्लाई 14 में करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 13 को आपने ऐड किया है, 13 का मल्टीप्लाई जब आप 14 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने 13 को 14 टाइम प्लस किया है। कितने टाइम प्लस किया है 13 को, इसी प्रकार से आपने कितने बार 14 टाइम प्लस किया है। तो 14 टाइम प्लस किया मतलब कि अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई अगर 13 में ही कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 13 को 13 टाइम प्लस किया, कितनी बार 13 को मुझे 13 बार जोड़ा गया, और
13 का मल्टीप्लाई 14 में करना है, इसका मतलब यह है कि 13 को 14 बार जोड़ा गया। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स में से मतलब 13 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर लेते हैं, और आपको 13 का मल्टीप्लाई करना था 14 टाइम, तो 13 का मल्टीप्लाई आप 13 टाइम कर चुके हैं, मतलब 13 को 13 पर ऐड कर चुके हैं, और एक बार और ऐड करना था इसलिए आपने इसे अलग से ऐड कर दिया। समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है कि जो नंबर आपको दिया गया है उनमें से कोई सा भी, मतलब जो भी छोटा नंबर है उसका स्क्वायर ले लें और उसी नंबर को उसमें प्लस कर दें, यही आपकी कैलकुलेशन होगी। तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, और हम इसमें 13 को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 182। क्लियर है? तो अगर हमने 169 में 13 को प्लस किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, 182। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा 13 का 14 में। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, कैरी बचता है हमारे पास में 5, 13 एकम 13 और 5 18, कितना हुआ 182। तो ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे 13 का ही स्क्वायर क्यों लिया, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो भी स्क्वायर, मतलब कि जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर पता हो, स्क्वायर याद हो, उससे आपको इसको कैलकुलेट करना है कि हम इसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कि अगर आपको 14 का स्क्वायर याद होता तो 14 का मल्टीप्लाई करते आप 14 टाइम, मतलब कि 14 का अगर 14 में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि आपने 14 को 14 बार प्लस किया है। क्या किया है, 14 को 14 बार प्लस किया है, लेकिन 14 को आपको कितनी बार प्लस करना था, 13 बार प्लस करना था। तो एक बार ज्यादा प्लस किया है तो आप इसमें से क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे। मतलब कि सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आपने बड़ी संख्या ली तो उसका स्क्वायर करने के बाद उस नंबर को माइनस करना है, छोटी संख्या ली तो उसके संख्या, उस संख्या के स्क्वायर में उसको प्लस करना है। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14 इज इक्वल टू 182। इसी प्रकार से अगर 24 का मल्टीप्लाई 25 में करना है तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24 इज इक्वल टू 600। या फिर और क्या करेंगे, अपन ये कर सकते हैं कि 25 का स्क्वायर ले लें तो 25 का स्क्वायर होगा 625, और इसमें से माइनस कर देंगे 25 को तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 600। और भी इसके अलावा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको इनके स्क्वायर पता हो तो। 19 का स्क्वायर कितना होगा तो 19 का स्क्वायर होगा 361। अब 19 और 18 में से बड़ा नंबर कौन सा है, आपके पास में 19 है तो 19 में से, अब 19 बड़ा था इसलिए आपने इसमें से 19 को माइनस किया, कितना आएगा 11 में से 9 गया तो बचा कितना 2, 5, 5 में से 1 गया तो बचा 4 और 3, तो 342। ये कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी, 19 का 18 में मल्टीप्लाई। या फिर आप मल्टीप्लाई करें, मतलब 18 का स्क्वायर लेते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 18 इज इक्वल टू 342। इस प्रकार से आप लोग इनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दो कॉन्जेकेटिव नंबर्स दिए हैं तो उनके मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर जो भी, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर पता हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर ये चीज आपको समझ में आई हो कि स्क्वायर लेना है तो इसका मतलब यह है कि आपको काफी नंबर तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। और याद करना है मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, अब ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपने रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, हमें रटना नहीं है, क्योंकि हमें कोई सी भी चीज जितनी जल्दी हमें याद होती है हम उसको उतनी ही जल्दी भूल भी सकते हैं, इसलिए उसको समझना जरूरी है। जब हम चीजों को समझेंगे तो ही हमारे वो दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगी और वो हमारे काम भी आएगी। तो अब इसी में हम और भी चीजें देखें कि और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कि स्क्वायर की वजह से हमें कौन कौन सी कैलकुलेशन बन सकती है। कुछ नंबर और ले लेते हैं, मान लो कि मुझे 38 का मल्टीप्लाई 39 में करना है। ये लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं, फिर इसके बाद अपन अगली ट्रिक देखेंगे कि अगले उसमें क्या बनता है। तो 38 का मल्टीप्लाई मुझे 39 में करना है तो हम क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर लेंगे तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। 38 और 39 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 38, तो मतलब कि आपने जिस नंबर का छोटे नंबर का स्क्वायर लिया है तो आपको उस नंबर को उसके अंदर एड करना है। तो 8 4 12 3 7 8 और 14, तो 1482 ये मल्टीप्लाई होता है 38 और 39 का। यहां पर आपने कुछ भी कैलकुलेशन, मतलब कि कोई बड़ा मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ स्क्वायर और इसी से आपने आंसर निकाला। अब इनसे क्या बेनिफिट है,
इनसे बेनिफिट ये है कि कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और आपको पता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर इसको करने के बाद आपको सीधे डायरेक्ट आंसर देना है और ऑप्शन में आपको आंसर करना है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका आंसर जो है 1444 से, मतलब कि अगर आपको स्क्वायर पता है तो मतलब आपका आंसर इससे बड़ा है। अगर एक भी ऑप्शन या एक या दो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपके 14 मतलब 1400 से कम है, 1400 से कम है, उसको आपको छोड़ देना है, मतलब वो आंसर आपके हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको 38 का मल्टीप्लाई 39 में करना है, छोटे वाले का नंबर 1400 है, मतलब 1444 है, मतलब इससे छोटी डिजिट आपका आंसर हो नहीं सकती, इसलिए आप आगे वाले नंबर को आंसर करेंगे। तो ये चीज़ें हमें एग्जाम में मिल जाती है और आसानी से हम इसको चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हमें यह सब चीज़ें समझ के रखनी है। अब इसी के बाद अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉन्सेक्यूटिव नंबर में, अब मल्टीप्लाई करना हो हमें ऐसे नंबर में, जैसे कि इवन नंबर का इवन नंबर में मल्टीप्लाई करना हो, ऑड नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करना हो, या फिर हमें ऐसे नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस सेम हो, और डिफरेंस सेम नहीं लेते अपन, इवन नंबर और ऑड नंबर ही लेते हैं, फिर उसी के बाद उसको आगे समझेंगे कि अगर मुझे इवन नंबर का ऑड नंबर, इवन नंबर का इवन नंबर में, मतलब कि सम का सम इनटू सम करना हो, इवन इनटू इवन, या फिर ऑड इनटू ऑड करना हो, विषम संख्याएं मल्टीप्लाई बाय विषम संख्याएं, इसके लिए भी आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको स्क्वायर याद रखने हैं, आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज कि मुझे 38 का मल्टीप्लाई 32 में करना है, किसमें करना है, 38 का मल्टीप्लाई 32 में करना है, या फिर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 24 का मल्टीप्लाई 28 में करना है, 26 का मल्टीप्लाई 28 में करना है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में जिन जो ऐसी संख्याएं जो इवन है और इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऑड नंबर्स ले लें अपन कि 37 का मल्टीप्लाई 39 में करना है, 29 का मल्टीप्लाई 26 में करना है, 26 तो इवन हो जाएगा, यहां पर लेते हैं अपन 23 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, ये चीज मैंने आपको सिर्फ संख्याएं दी हैं कि अब यहां पे अपने को करना क्या है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। तो देखिए, अगर आप इन ऐसे नंबर्स का जो इवन है ऑड है, ऐसे नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर मैं यहां पर देखूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इनका अंतर कितना है, तो 29 में से 23 को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आती है कितनी, 6। कितना डिफरेंस है, 6 का अंतर है, कितना अंतर है, 6 का अंतर है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है, किस क्या चीज, इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है, तो एवरेज हमें देखना है कि एवरेज कितना होगा, तो 29 और 23, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 29 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2, एक तरीका तो यही है हमारे पास में कि हम इन दोनों नंबर्स को क्या करें, ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12, 2, 2, 4 और 1, 5, और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में एवरेज आता है कितना, 26। क्लियर है, इस प्रकार से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एक तरीका और है हमारे पास में, अगर दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं और हमें उनका एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास में क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है आप उसको आधा कर दो, तो आधा करने पर कितना आया, 3। अब या तो आप छोटी वाली संख्या में उस 3 को प्लस कर दो, या फिर बड़ी वाली संख्या में से उस 3 को माइनस कर दो, तो 29 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आती है 26, 23 में 3 को प्लस करते हैं तो आता है हमारे पास में 26। तो इस प्रकार से भी हमारा एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, एवरेज मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस मिल गया, और इन दोनों के डिफरेंस का हाफ भी हो गया। क्या क्या चीज हो गई है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इनका एवरेज ले लिया और इनके डिफरेंस का हाफ भी ले लिया, डिफरेंस का हाफ मतलब कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा हमें उसका आधा भी लेना है। तो 26 का आप मल्टीप्लाई करने के लिए आप करेंगे 26 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का जो डिफरेंस था, डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 को माइनस करेंगे 26 के स्क्वायर में से, तो 26 का स्क्वायर होता है
676 और इसमें से माइनस करेंगे 9 को तो आपके पास में आंसर आएगा 667। ये हो जाएगा इनका डिफरेंस और यही इनका मल्टीप्लाई भी होगा। समझ में आया होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई ही करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 23 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दुना 18 180 और 27, 180 और 27 207, 20 कैरी है आपके पास में, 23 दुना 46 और 20 66, तो 667 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आप टेबल बोले या फिर अगर आप स्क्वायर वगैरह आपको पता है तो आपको यहाँ से एक चीज एज्यूम ये होती है कि हमें यहाँ पर आंसर जो है हमारा 676 के आसपास ही होगा, ज़्यादा ना तो उससे उधर होने वाला है और ना ही इधर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 38 का 32 में तो हम लोग वही चीज करेंगे कि 38 और 32 का डिफरेंस कितना है, तो 38 में से 32 को माइनस करेंगे तो 6, इन दोनों का एवरेज 6 का हाफ किया, हाफ करने पर आता है हमारे पास में 3 को माइनस करेंगे 38 में से या फिर इसमें प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 35 का स्क्वायर लेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास में 1225 और इसमें से माइनस करेंगे हम इस 3 के स्क्वायर को तो 3 का स्क्वायर होगा आपके पास में 9, तो 1225 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1216 ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का। समझ में आया होगा। हम दो एक दो नंबर में और ले लेते हैं 28 और 24। यहां पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको यहां तक के स्क्वायर अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये याद होंगे। अब 28 का मल्टीप्लाई 24 में करना है तो वही प्रोसेस कि आप इनका पहले एवरेज लें, तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए आपके पास में वही तरीका कि 28 और 24 का डिफरेंस कितना, 4 का आधा 2 को या तो इसमें प्लस करें या फिर इसमें माइनस करें तो आपके पास में आ जाता है 26 का स्क्वायर करेंगे माइनस इन दोनों का जो डिफरेंस कितना था 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा और आप इसमें से माइनस कर दें तो 26 का स्क्वायर होगा 676 माइनस 4 इज इक्वल टू 672। तो ये मल्टीप्लाई हुआ 24 का 28 में। ये मैं ये नहीं, आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मल्टीप्लाई है कंडीशनल है, हर जगह पे लागू नहीं होगा, लेकिन अगर ये कहीं पर आपको ये चीज याद आती है तो कहीं ना कहीं तो आपको कैलकुलेशन में मदद करेंगे। इसलिए हमें ये चीजें याद रखनी है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में नंबर सिस्टम में हम इसको जरूर देखेंगे। और मैं इसके बाद जो अभी जो हम मल्टीप्लाई वाला जो वीडियो जो देख बन रहा है, इसके बाद हम स्क्वायर का वीडियो आएगा, स्क्वायर उसमें हम आपको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर कैसे करेंगे वो चीज, और अंडर रूट निकालना उनका, और इसी के साथ में उसके बाद में हम निकालेंगे क्यूब कैसे करना है और उनका क्यूब रूट कैसे निकालना है। मैं इन सब की ट्रिकें आपको जरूर बताऊंगा और इसके बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिससे हम इन सब की मदद से हमें वहां एग्जाम में कभी भी उन चैप्टर को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और हमें इन मैथमेटिक्स में मजा आने लगेगा। तो इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान दें। अब मुझे 28 का मल्टीप्लाई 26 में करना है तो 28 और 26 का एवरेज निकाल चुके होंगे आप लोग कि एवरेज होगा 27, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का हाफ 1 का स्क्वायर 1, तो 27 का स्क्वायर करें और 1 को माइनस कर दे तो 27 का स्क्वायर होगा 729 माइनस 1 इज इक्वल टू 728। तो ये मल्टीप्लाई हुआ किसका, 26 का 28 में। अब 39 और 37 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। कुछ चीजें बोर्ड क्लीन कर लेते हैं फिर उसके बाद ये चीजें और बताता हूं कि इसमें हम और चीज समझ लें कि 37 और 39 का एवरेज कितना होगा, 2 डिजिट्स हैं इनका एवरेज, मतलब इन दोनों के बीच वाला नंबर, मतलब कि 38 का स्क्वायर 1444 माइनस इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का हाफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस कर दें इसके अंदर से तो कितना हो जाएगा 1443। तो ये आपका आंसर हो गया और इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें पता है तो। अब ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि कई बार हमसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम मल्टीप्लाई की चीजें देख रहे हैं तो हम इसी को समझें क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई समझना है फिर उसके बाद में हमें आगे की चीजें देखनी है। अब बात करते हैं कि अगर हमें किन्हीं संख्याओं में कुछ कंडीशंस में अगर आपको मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनके पीछे क्या है
5 है, मतलब या फिर किसी संख्या में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करते समय आप इन नंबर्स को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो 28 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और उसके पीछे एक जीरो लगा दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का 28 में। क्लियर है, मल्टीप्लाई करना है 5 का 64 में, 5 का 849 में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आप इनको डिवाइड करें 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 चौक 8, कितना रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बच रहा है आपके पास में, 1, आप उस 1 में इस 5 से गुणा कर दें तो आपके पास में ये मल्टीप्लाई हो जाता है 5 का 349 में, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास में 1745। आप 5 से मल्टीप्लाई करना है 64 में, आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6, 2 2 4, कुछ भी शेष नहीं बच रहा इसलिए 0, तो 320। आप 2 से डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करें, शेषफल रिमाइंडर अगर आपके पास में 1 बचता है तो आप उसके पीछे लिखेंगे 5 को, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो आप उसके पीछे लिखेंगे 0 को। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसे कोई नंबर हो जिनमें आपको 5 से डिवाइड करना हो, 1428 में अगर आपको 5 से भाग देना है तो आप क्या करेंगे कि गुणा करते समय हम उस संख्या को क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे, डिवाइड करते समय आप उसको डबल करेंगे, क्या करेंगे, आप उस नंबर को डबल करेंगे, तो 1428 का डबल कितना होगा, 28 और 56। अब डबल तो हो गया, अब आपको क्या करना है कि एक अंक के बाद दशमलव लगा देने हैं, क्या कर देना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देनी है, क्योंकि जब हम इसको डबल कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसको 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से गुणा किया, जब हमने इन दोनों को डबल कर दिया तो यह बन गया आपके पास में कितना, 10, और यह बन गया आपके पास में 2856। अब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। एक और नंबर को समझ लेते हैं, 1934, इसको डिवाइड करना है 5 से तो आप क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे तो 19 का डबल 38, 34 का डबल 68, और एक अंक के बाद दशमलव लगानी, ये डिवाइड हो गया। ये आपको यूज करना है सिंप्लीफिकेशन में, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे तब आप इन सब चीजों का यूज करेंगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो अब और अगली ट्रिक देखते हैं कि अगली और कौन सी नंबर हो सकते हैं। अब हमने अभी समझा 5 को, अगर इसी के साथ में अगर 25, 125, 625 और 5 ऐसे नंबर्स हैं तो यहां पर एक्चुअल में ये समझना कि 5 में जब आप 2 से गुणा करते हैं तो आपके पास में आता है 10, 25 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 100, 125 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 1000, और 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 10,000। क्लियर है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप 5 से गुणा कर रहे थे तब आपने उस नंबर को क्या किया था, 2 से डिवाइड। अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे 4 से, 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 8 से, 625 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे 16 से। इसी प्रकार से आप इनके मल्टीप्लाई करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि हमें यहाँ कुछ समझ में आ रहा है और हम लोग मल्टीप्लाई जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में और चीज़ समझेंगे अपन कि अब 25 का मल्टीप्लाई हम कौन कौन से नंबर में कर सकते हैं। तो anyway कौन से भी नंबर पर कीजिए आप मल्टीप्लाई, 974, मैंने लिखा है यहाँ पर 48974 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से। तो जब हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या चीज समझी थी हमने अभी कि अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको डिवाइड करो 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो चीज होगी वो चीज देखते हैं, कि फिर उसके बाद जो मैं जो चीज बताऊंगा तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दुना 8, 4 दुना 8, रिमाइंडर बचता है 1, तो 4 चौक 16, फिर रिमाइंडर बचता है आपके पास में 1, फिर 4 3 12, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास में, 2 रिमाइंडर है,
कितना रिमाइंडर है, दो रिमाइंडर है आपके पास में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दो का 25 में, 25 में दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आती है 50, तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ 25 से 48974 में मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में वैल्यू आ रही है 1224350। तो ये आपका आंसर होगा, जब भी आप किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी एक्स वाई जेड, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कौन कौन से मिलने वाले हैं, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब आप 4 से किसी सब नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर के रूप में कौन कौन से नंबर मिलेंगे, जो सबसे पहला रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, दूसरा 2 मिलेगा, और तीसरा 3 रिमाइंडर में मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। इसके अलावा तो इससे बड़ा रिमाइंडर, तो मतलब कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 4 से छोटा ही रिमाइंडर मिलने वाला है, 4 से बड़ा रिमाइंडर हमें मिलेगा नहीं। तो अगर 1 मिला मतलब कि आपको लास्ट में 25 को लिखना है, 2 मिला तो आपको 50 लिखना है, और 3 मिला तो 75 लिखना है। तो अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई, और अगर रिमाइंडर 0 मिला, क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, तो आपको डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिले थे, जो भागफल था आपके पास में, उसमें उसके आगे आप 2 0 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई आप करते हैं 1684 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 1684 में। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दुना 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा, कुछ भी नहीं। तो आप क्या कर देंगे, इसके पीछे 2 0 लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 का 1684 में। और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करने के लिए आप 8 का भी यूज कर, मतलब कि 125 के मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और 625 के लिए आप 16 का मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड करेंगे। 125 से मल्टीप्लाई करने पर आपको रिमाइंडर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मैक्सिमम रिमाइंडर होंगे। अब मैक्सिमम रिमाइंडर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 0 है। अगर 0 रिमाइंडर है मतलब लास्ट में आपको रखना है 3 0, 7 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 7 रिमाइंडर है, तो आपके पास में आएगा 875, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में आएगा 750, 600 और, हाँ 1 मिनट गलत हो गया, 750 क्यों आएगा, हाँ 600 और 150, हाँ 750 ही आएगा, कितना आएगा 750, और फिर 125 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 625, यहाँ पर आएगा आपके पास में 500, यहाँ पर आएगा 375, यहाँ पर आएगा आपके पास में 250 और यहाँ पे आएगा 125। तो इसी प्रकार से मतलब एक रिमाइंडर मिला तो आपने 125 लिखा, अगर दो रिमाइंडर मिला तो 250 लिखा, 3 रिमाइंडर बचा तो 375 लिखा। मतलब कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो मैं एक अगली बार जो अगला जो स्टेप में जो आपको मल्टीप्लाई बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी क्या चीज़ कर सकते हैं अपन। 125 का मल्टीप्लाई करना था हमें 8759 में, क्या करना है 125 का मल्टीप्लाई 8759 में करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्या करेंगे, उस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने के लिए 8 से भाग, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगा उसके लिए 0, फिर आपके पास में बचता है 75, तो 8 9 72, कितना बचेगा आपके पास में 3, 8 चौक 32, कितना बचेगा आपके पास में 6 सॉरी 32 और 7, कितना रिमाइंडर बचेगा 7, तो 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि कितना लिख देना है आपको 875 लिख देना, तो 10 मतलब आपका आंसर हुआ 1094875, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 125 का 8759 में, समझ में आया होगा। अब इसी के बाद अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 की टेबल याद रखनी पड़ेगी और उसी से डिवाइड करना भी पड़ेगा, और आपको ये सारे नंबर इसी प्रकार से आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला था कि एक और कौन से मल्टीप्लाई हैं जिनको आप जल्दी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। अगर आप लोगों को आप अगर मिनिमम 25 तक टेबल याद कर लेते हैं या जितने नंबर्स की आप टेबल याद रखते हैं तो आपके लिए सबसे आसानी हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप मान लो कि अगर मुझे 346 में मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से,
क्या करना है। अभी फिलहाल में हमें जो टेबल याद है हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें मेथड को समझना है। जब हम चीज़ें समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो उसके बाद हम बड़े नंबर मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका प्लस कितना अच्छा होगा। मतलब कि जितना आपका प्लस अच्छा होगा उतनी ही जल्दी आपकी कैलकुलेशन भी होगी और उतनी ही जल्दी आप आंसर भी निकाल पाएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग तरीका यूज़ करते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई 6 में किया, फिर 4 में किया, फिर 3 में किया। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम पीछे की तरफ से संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आती है, लिखते हैं, फिर कैरी रखते हैं। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चीज़ें काफ़ी कुछ लिखनी पड़ती हैं। और जब जब हम क्वेश्चंस को करने के लिए जितनी चीज़ें हम जितनी बार हम पेन और कॉपी का यूज़ करेंगे हमारा टाइम उतना वेस्ट होता है। तो पॉसिबल कंडीशन कि जहाँ तक हो सके आपको कॉपी और पेन का यूज़ नहीं करना है, और कॉपी और पेन का यूज़ नहीं करना है तो सीधी सी बात है आपको अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। तो तरीकों में बदलाव किस प्रकार से कि अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई करते आए डिजिट्स में पीछे की तरफ से, यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 यूनिट पे किया, फिर 100 यूनिट पे किया। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए आए तो हमारा मल्टीप्लाई आ तो रहा है लेकिन हमने हर बार उसको लिखा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आगे की तरफ से। मल्टीप्लाई 8 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 3 में गुणा करने पर कितना आता है आपके पास में 24। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है और माइंड में ही ये सारी प्रोसेस करनी है। क्योंकि जब हम अपने माइंड में ही प्रोसेस करेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और प्लस हम लोग जल्दी कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो अब जब आपने 8 का 3 में गुणा किया तब आपके पास में आया 24, तो उसके पीछे देखिए कितने अंक थे, तो उसके पीछे दो अंक थे, तो आप उसकी जगह पर 2 जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं, उसके पीछे आप 2 जीरो लगा देते हैं। फिर 8 का मल्टीप्लाई आप करते हैं 4 में, तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 32, और उसके पीछे एक नंबर है तो उसके पीछे लगा देंगे 0। अब इस 8 का मल्टीप्लाई आप 6 में करें तो 8 6 48। अब आप इन नंबर्स को प्लस कर दें, 8 6 7 और 2, तो 2 7 6 8 ये मल्टीप्लाई होगा आपका 3 4 6 में 8 का। अगर मैं इसको लिखता नहीं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो इसको समझिए हम कैसे कर सकते थे। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24, और उसके पीछे दो संख्याएं हैं, मतलब कितना हो गया 2400 हो गया, 100 था इसलिए 2400 हुआ, 2400। 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 6 32 320, तो 2400 आपके पास में पहले से है। राउंड अप में संख्याएं हैं 320, तो 2400 और 320 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास में होगा 2720। 2720 में 48 को प्लस करेंगे तो 2768 आपका आंसर हो जाएगा। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये टेबल याद हो तब। लेकिन ये टेबल कैसे याद होगी, तो उसके आप याद करने के लिए आपको भी अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा और ये याद करनी पड़ेगी। मान लो कि मुझे 597 में मल्टीप्लाई करना है 18 का। किसका मल्टीप्लाई करना है, 18 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे की तरफ से। तो 18 का मल्टीप्लाई 18 का मल्टीप्लाई आप करते हैं 5 में, तो 18 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास में 18 5 90, और उसके पीछे दो संख्याएं हैं, मतलब कितना हो गया वो 9000 हो गया, 9000 हो गया। 18 का 9 में गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 18 9 162, और 162 और उसके पीछे एक जीरो, मतलब 1620। 9000 आपके पास में पहले से था, 9000 आपके पास में पहले से था, 1620 और आ गया तो कितना हो गया आपके पास में 10620। तो 10620 और 18 7 126, तो अब आप इन सभी नंबर्स को प्लस कर दें तो 6 4 7 और 10, तो 10746। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी नंबर की टेबल अगर बोलनी है, किसी भी नंबर की अगर टेबल बोलनी है, तो आप सीधे सीधे आप आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका अपना लें तो इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होने लगेगी। और हमें इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि इनसे बेनिफिट क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब आप 18 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, जैसे कि 9000 मिल रहा है हमें, तो आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में सबसे बेनिफिट हमें यह है कि हम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और जब हम ऑप्शंस का यूज करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 9000, मतलब कि आपका 9000 से अप आंसर होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 9000, तो 9000 से कम जितने भी वैल्यू में ऑप्शंस होंगे आपके, वो सारे आंसर्स आप हटा देंगे और आपका आंसर उससे बड़ी वाली वैल्यू या वही 9000 के आसपास की वैल्यू आपकी आंसर में होगी, मतलब उससे बड़ी वाली वैल्यू। तो ये चीजें होगी आपकी
कैलकुलेशन करने में आपकी पकड़ अच्छी होगी, प्लस आप चीजों को एज्यूम करें अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुछ मल्टीप्लाई, जैसे कि कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हुआ। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कुछ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जिनमें 9 की कंटिन्यूटी हो, मतलब कि ऐसे नंबर जिनमें ये 999 बनता हो, 9 बनता हो, 99 बनता हो, या फिर इस टाइप के नंबर्स बनते हो, तब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हम किसी एक संख्याओं को समझ लें, एक ही संख्या को लेके चलते हैं, उसी में समझते हैं कि क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 999 को, कि 999 में मल्टीप्लाई करना है हमें 426 का। तो हमारे पास में तरीके क्या बनते हैं? तो तरीके ये हैं कि क्या हम इस ट्रिपल नाइन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000 - 1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 999 क्या है? 1000 से एक कम है, तो 1000 से एक कम है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका 426 में, तो 426 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो आपके पास में हो जाएगा 426000 माइनस 426 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 426। इसका मतलब यह है कि 426000 - 426। तो समझने वाली चीज यह है कि हम मल्टीप्लाई करते समय यह कर सकते हैं कि 426 जितनी बार आपको 9 यहां पर दिया गया है, जितनी बार 9 दिया गया है, उतनी जीरो आप उसके पीछे लगा दें, और जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करना था उस नंबर को आपने क्या किया, उसी में से माइनस कर दिया। तो यह माइनस ही, माइनस करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वही आपका आंसर होगा। तो 10 में से 6 गया तो आपके पास में बचता है 4, 9 में से 2 गया तो बचता है 7, 9 में से 4 गया तो बचता है 5, तो यहां से 5, 2 और 4। क्लियर है? तो यह चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और तरीका है कि जिससे हम इसकी कैलकुलेशन और भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अपन इसके बेसिक को समझें, क्योंकि मेन चीज है बेसिक को समझना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, कि क्वेश्चन में क्या करना है हमें पता है। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको अपन थोड़ा और छोटा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि अगर इधर जितनी बार 9 दिया गया है उतनी बार ही इधर उतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए। समझना इस चीज को। हम ऐसे तरीकों से नहीं, मैं ऐसे तरीके बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जहां पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं और वहां पे उन कंडीशंस की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाएं आपके। हम सारी चीजों को लेके चलेंगे कि आपकी गलतियां बिल्कुल ना हो, सिर्फ सावधानियां रखने की जरूरत है, सिर्फ सावधानियां रखो जिससे हमारे आंसर्स कभी गलत ना हो, हमेशा सही हो। तो चीजें क्या आप ध्यान देनी है कि जब इधर 3 बार 9 है और इधर कितनी डिजिट्स हैं आपके पास में, 3 डिजिट्स हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो नंबर होता है 426 जो है आपको इसमें से एक कम कर देना है। तो 42 कितना बन जाएगा, 425। समझ में आया? आपने क्या किया, 426 में से एक कम कर दिया, तो आपके पास में आ रहा है 425। अब आप काउंट करेंगे इस 4 को, अगर मुझे 9 बनाना है, कितना बनाना है, 9 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे 5, इस 2 को 9 बनाने के लिए आप जोड़ेंगे 7, इस 4 को, इस 5 को 9 बनाने के लिए आप जोड़ेंगे 4। तो ये भी आपकी कैलकुलेशन का ही पार्ट है, और इस प्रकार से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है इक्वल डिजिट्स में नंबर्स होने चाहिए। क्या कंडीशंस है, इक्वल डिजिट्स में ये कंडीशंस होनी चाहिए, अदरवाइज इनके मल्टीप्लाई करने में, ऐसा नहीं कि कई लोग बता देते हैं कि हाँ इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशंस हैं कि इक्वल नंबर्स होने चाहिए, इक्वल डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन अगर हमने ये चीज ध्यान नहीं देते तो हमारा आंसर गलत आएंगे। और क्या कर सकते हैं, और संख्याओं को देखें कि और नंबर्स में क्या क्या मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर दिया होता 999 × 4259, अगर मुझे ये नंबर दिया है और मुझे इन नंबर्स के मल्टीप्लाई करने हैं, तब आप क्या करेंगे, 425 इसमें से एक कम कर दें, कितना आ जाएगा, 8, इस 4 में कितना जोड़ें कि ये 9 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे, इस 4 में कितना जोड़ें, 5, फिर 7, फिर 4 और फिर 1। आपने इसमें जोड़ा था 5, इसमें जोड़ा था आपने, इसमें जोड़ा था आपने कितना, +7, इसमें जोड़ा है आपने +4 और इसमें जोड़ा है आपने +1, और आपका नंबर बन जाता है 4258571। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। कंडीशन इक्वल डिजिट्स में नंबर होने चाहिए। अगर इक्वल डिजिट्स में नहीं है तब क्या करना है,
इक्वल डिजिट्स में नहीं है। मान लो इस तरफ जो है कितने डिजिट्स हैं, इधर चार अंकों में 9 है और इधर कितने डिजिट्स में 259 है, 3 डिजिट्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी 4 डिजिट में बदलने के लिए आप इसके आगे एक जीरो लगा दें। मल्टीप्लाई चेंज किया मैंने कि 9999 में मल्टीप्लाई करना है आपको 259 का। क्या करना है, 9999 में मल्टीप्लाई करना है आपको 259 का, और इधर कितनी डिजिट्स हैं आपकी, इधर आपकी 3 डिजिट्स हैं और इधर कितनी है 4। तो आपको इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है और आपका मल्टीप्लाई इसमें भी आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, 4 0 2 5 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8। अब इस 0 में कितना जोड़े कि ये 9 हो जाए, तो 9। 2 में कितना जोड़े कि ये 9 हो जाए, 7। 5 में कितना जोड़े कि ये 9 हो जाए, 4। 8 में कितना जोड़े कि ये 9 हो जाए। तो ये 0 आप जहां से लेके आए थे इसको वापस भेज दो, या फिर इस 0 का आगे वाली संख्या की अगर आगे लगी हुई तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर होता है 2589741। क्लियर है? लेकिन अगर इधर 9 कम हो और उधर 3 नंबर ज्यादा हो, आपको मल्टीप्लाई करना है 99 का 4259 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में वही तरीका जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी बार आपको नंबर, जितनी बार आपको 9 दिया गया है उतनी 0 आप उसके पीछे लगा दो और 4259 को आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करते रहिए, आपका आंसर जल्दी निकलेगा। और ये कई बार इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन वो इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये पता है और आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी तो क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चंस करने में उनको या तो वो छोड़ना पड़ता है या फिर तुक्का मारना पड़ता है। तो आप लोग तो अपनी तैयारी ऐसे करके जाइए कि एग्जाम में वो आपसे कुछ भी पूछे आपको उसका आंसर पता है। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको वहां पे कोई भी आंसर, आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं निकले ऐसा हो ही नहीं, ठीक है? अगर ये ऐसी तैयारी अगर हम करके जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको नंबर दे के जाती है, रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपको नंबर दे के जाता है। जनरल अवेयरनेस जीके जो है वो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम वैसे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जरूरी नहीं होता कि आपने जो पढ़ा है वो आपको एग्जाम में मिले। लेकिन मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में ये दो पार्ट ऐसे हैं कि इसमें जो चीजें आप पढ़ के जा रहे हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। और आपसे जब वो क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हो उसी में से जब पूछने वाला है तो उसके नंबर आपको मिलने चाहिए ना। तो मिलेंगे कैसे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अब इन तरीकों को हम आगे फोकस करेंगे, अप्लाई भी करेंगे। और साथ में ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं जब चैप्टर से जब स्टार्ट करूंगा, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा हमारा स्क्वायर क्यूब के लिए वीडियो होगा और उसको भी देखिएगा, और साथ में जब हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे तो उन चैप्टर्स में भी पहले हम बेसिक चीज़ें, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आप लोगों को हमारे साथ में जुड़े रहना है और साथ में तैयारी करते रहना है। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन सबको आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, या कुछ भी, जैसे कोई अदर किसी भी एक कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में है तो आप वो डाउट में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरह से पूरी आपको गाइड करेगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, ठीक है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।